झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश में महुआ अपने नशे के लिए बदनाम रहा है, लेकिन लोहरदगा में यह महुआ अब कई रोगों के इलाज में काम आ रहा है और इससे कई परिवारों की जीविका भी चल रही है। आखिर महुआ का इस्तेमाल किस तरीके से कैसे कैसे हो रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए आप भी समझिए और महुआ से सिर्फ शराब नहीं दवाई बनाने में काम लाइए। लोहरदगा में महुआ का फूल आज जीविका का साधन बन गया है। इससे कई तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां महुए का लड्डू बनाया जा रहा है, वहीं इसका अचार भी बनाया जा रहा है। और इन्हें बनाने वाली वो महिलाएं हैं जो कभी महुए का शराब बनाकर बेचा करती थी। आज कई महिला मंडल की महिलाएं इस काम से जुड़ गई हैं। बहुत सारा शराब बन रहा था, दादा लोग शराब मांग रहे थे और शराब पी के बहुत सारे नुकसान हो रहे थे। और हम लोग जो ट्रेनिंग किए बंधन के द्वारा, और बंधन में जो भैया लोग आए थे ट्रेनिंग देने के लिए, ट्रेनिंग करके हम लोग लड्डू बनाते हैं। महुआ का अचार बनता है, महुआ का चटनी, महुआ का चाय, तब से हम लोगों ने शुरू कर दिया है महुआ का लड्डू बनाने के लिए। और हम लोगों का चाह भी है कि हम लोग लड्डू को बना के हम लोग बाजार में ले जाए। 300 महिलाएं जुड़े हैं, आदिवासी महिलाएं, और हम लोग ट्रेनिंग लेके इसका बिजनेस करना चाह रहे हैं। क्या क्या बना ले रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग लड्डू बनाए हैं और अचार बनाए हैं। बाजार में किस तरह से मांग है इसका और कितने रुपए में बिकता है? बाजार में 10 रुपया पीस हम लोग बेच रहे हैं। फायदा तो अभी दिखेगा ज्यादा, शराब बना रहे से उससे अभी बाजार बाजार ले जाएंगे, ले जा रहे हैं। महुआ का स्वरूप बदल गया है, प्रशासन भी अब इस क्षेत्र में रुचि ले रहा है। अब इसके प्रोडक्ट्स को बाजार उपलब्ध कराने की बात भी की जा रही है। आमदनी बढ़े, उनको रोजगार मिले, यही मेरी इच्छा है। और ये जो महिलाओं ने ये काम किया है उनको मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। महुआ का लड्डू और अचार आज बाजार में आ गया है और अब इसके मार्केटिंग की भी तैयारी शुरू की जा रही है, जो पूरे इलाके के लिए एक पॉजिटिव खबर है। लोहरदगा से न्यूज 11 भारत के लिए गौतम लेनिन की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।